हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट हुई फाइनल। एक बार फिर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल मचाएंगे धमाल। राजू श्याम और बाबूराव की फिल्म हेरा फेरी ने खूब धमाल मचाया था। इस फिल्म को अब तक कितनी बार देख लिया, लेकिन आज भी फिल्म के कुछ सीन्स देखकर आपकी हंसी नहीं रुक पाती। इसके बाद फिल्म के दूसरे पार्ट फिर हेरा फेरी भी हिट थी। अब आज हेरा फेरी की रिलीज को 21 साल पूरे हुए हैं। इस खास मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने हेरा फेरी 3 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कंफर्म किया है कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ तीसरी इंस्टॉलमेंट लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है और जल्दी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। इस बार आइडिया सिर्फ हेरा फेरी 3 नहीं बल्कि और हेरा फेरी भी है और हम उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। फिरोज ने कहा, हम इस बार स्क्रिप्ट को लेकर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब जब चीजें सही जगह पर बैठ गई हैं, तो मैं यही कहूंगा कि बनेगी तब जब 2-3 हेरा फेरी 7 बनेगी। फिरोज का ये भी कहना है कि इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को आगे लेकर जाना काफी प्रेशर से भरा है और प्रेशर से ज्यादा इसमें जिम्मेदारी वाली बात है, क्योंकि आपको ऑडियंस को अच्छा प्रोजेक्ट देना है। भगवान ने हमें इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी दी है तो हमें स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सब बेस्ट रखना होगा। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। बता दे कि फिर हेरा फेरी में राजू ब्रिज पर वो एंटिक बंदूक को नदी में गिरने से बचाता है। फिर उससे पूछा गया कि क्या हेरा फेरी 3 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दूसरे पार्ट का एंड हुआ था, तो उन्होंने कहा, हाँ उसमें कहानी कंटिन्यू होगी, लोगों को फाइनली उस लास्ट सीन का जवाब मिल जाएगा। बता दे कि फिल्म के पहले पार्ट को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था, वहीं दूसरे पार्ट को दिवंगत डायरेक्टर नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था। अब तीसरे पार्ट को कौन डायरेक्ट करेगा, इसका जवाब जानने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वैसे आज फिल्म के 21 साल पूरे होने पर अक्षय ने धोती वाले सीन की फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमें उस समय नहीं पता था कि हम फिल्म बना रहे हैं। हर अगला सीन पहले से बेहतर था, खासकर ये धोती है। प्रियन सर का शानदार दिमाग और दिवंगत नीरज वोरा के एपिक डायलॉग्स। बता दे कि हेरा फेरी में अक्षय, सुनील और परेश के अलावा तब्बू और ओमपुरी भी अहम भूमिका निभाते नजर आए थे।